एसआई जॉइंट का किस तरह से पता लगा सकते हैं अपन कि ये स्लिप डिस्क है एसआईटी का से किस तरह से डिफरेंट है? पहले पेशेंट जो आता है उसके रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यदि स्लिप डिस्क है ना, हमारे डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके एनुलस में है, उसके न्यूक्लियस पल्पोसस का पार्ट आ रहा है, उसमें प्रोट्रूजन आ रहा है या दबाव आ रहा है, और यदि शाटिका जैसे कहते हैं जो शाटिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट करता है कि ऊपर से दर्द आता हुआ, कमर से आता हुआ, नीचे जांघ से होता हुआ नीचे तक पहुंचता है, और स्लिप डिस्क के अंदर से जो कि साधारण भाषा में जो समझी जाती है स्लिप डिस्क, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, कि स्लिप डिस्क को केवल हम वहीं उसी लेवल पर ना लें कि इसमें अक्सर है ना जो दर्द आपका लोकलाइज रहता है नीचे की साइड के अंदर से, कमर के नीचे के हिस्से के अंदर से, लेकिन एसआई जॉइंट ये स्ट्रक्चर पूरे स्पाइन जब स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है तब एसआई जॉइंट चालू होता है। तो एसआई जॉइंट के अंदर से कुछ टेस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनको क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं, और साथ के अंदर से उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्थ्रोग्राम एक टेस्ट होता है जिसमें डाई डाली जाती है उस जॉइंट के अंदर से, और उसका पेन का जो पार्ट है उसको इलिसिट करते हैं और उसके अंदर से देख के हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं कि एसआई जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है या स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। स्पाइन और एसआई जॉइंट दोनों को कोरिलेट ना करें, दोनों अलग एंटिटी हैं, दर्द एक जैसा होता है लेकिन समस्या दोनों के रीजन अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, प्रेजेंटेशन सिमिलर करती है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए जो उसको आइडेंटिफाई करे। एसआई जॉइंट का जो पेन होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसका हम बिना किसी ऑपरेशन के किस तरह से इलाज कर सकते हैं, ऐसी कौन सी एडवांस टेक्निक है आपके पास? एसआई जॉइंट का जो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट पे काफ़ी हद तक सही हो जाता है, क्योंकि एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, आपकी आर्थराइटिक प्रोफाइल से रिलेटेड से यदि कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी मेडिसिन चालू हो जाती हैं, रूमेटॉइड से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं वो चालू हो जाती हैं, तो मेडिसिन से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इसके साथ में यदि एक हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, आपकी जो दवाइयाँ हैं, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको यदि कंट्रोल कर लेते तो 80-90% पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये दर्द बना रहता है, क्रॉनिक पेन के रूप में चला जाता है। एसआई जॉइंट इज़ द बिगेस्ट जॉइंट, तो इसके अंदर से हमें उस जॉइंट का जो पार्ट आ रहा है, जो लंबे टाइम तक जो दर्द आ रहा है, उसमें एक टेक्निक आती है जिसे हम प्रोलोथेरेपी कहते हैं। प्रोलोथेरेपी एक टेक्निक होती है जिसके अंदर से हम जो जॉइंट होता है, जो एसआई जॉइंट होता है, उसके अंदर जॉइंट के जो पार्ट होता है उसमें हम उसको मटेरियल को डाल देते हैं, तो जो जॉइंट के जो फाइबर्स होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग हो जाते हैं और दर्द काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें से कुछ सेल्स लेते हैं, उन सेल्स को हम जिसे ऑटोलोगस PRP कहते हैं उसको भी इम्प्लांट करते हैं। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये पाई जाती है कि जो बोन मैरो होती है हमारी, जो इलायक बोन है या लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसमें से कुछ सब्सटेंस होता है जिसे हमें बोन मैरो कहते हैं, जो शरीर की सारी कोशिकाओं को बनाती है, सेल्स को बनाती है, उन सेल्स को हम हार्वेस्ट करते हैं और उस जगह पे जाके इम्प्लांट करते हैं। थर्ड टेक्निक होती है हमारे जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें से जो मेसेनकाइमल सेल होती है, जो स्टेम सेल्स होती हैं, उनको हार्वेस्ट करके निकाल के और उस जॉइंट के अंदर से, ऐसा ही जॉइंट है उसमें से हम निकाल के उस जगह इम्प्लांट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं नॉन सर्जिकल चीज़ें कहलाती हैं, जिसमें कोई इंसीजन नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता, एक डे केयर प्रोसीजर के रूप में हो जाती है। इसके साथ साथ में इस जॉइंट से संबंधित जो दर्द है, जो मरीज उससे ज़्यादा ग्रसित रहता है बजाय इसकी और चीज़ों के कारण, तो जो दर्द वाला पार्ट है उसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक से हम अंदर इलेक्ट्रोड पहुँचाया जाता है अंडर फ्लोरो गाइडेंस या USG गाइडेंस में, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी नस इसके अंदर इन्वॉल्व है और इस नस का उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें दो टेक्निक्स आती हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर से, कन्वेंशनल थेरेपी आती है, कन्वेंशनल RF आती है, दूसरी कूल्ड RF आती है। इनके अलावा एक थर्ड पॉसिबिलिटी और होती है, जब हमारी नर्व काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व आ जाती है तो न्यूरो स्टिमुलेशन या न्यूरो मॉडुलेशन एक टेक्निक होती है। तो जब तक हम उस चीज़ का आइडेंटिफाई नहीं करें कि हमारी इस SI जॉइंट में दर्द का कारण क्या है, और बेस्ट पॉसिबल तो एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन उसको पूरा असेस करता है कि फिजियोलॉजिकली क्या होना चाहिए, मेडिकली क्या होना चाहिए, मेडिसिन कौन सा होना चाहिए, किस टाइप का चीज़ होना चाहिए, और अपने साथ के अंदर से जो भी असिस्टेंट, जो भी डॉक्टर साथ के अंदर से, एक टीम वर्क होता है जो पेन मैनेजमेंट के अंदर से देखता है, वो सब अपनी ओपिनियन देते हैं, तो हम उसका बिना सर्जरी के
काफी हद तक, है ना, आप समझ लीजिए इसमें सर्जरी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। कोई फ्रैक्चर हो गया या और कोई चीज हो गया तो ही सर्जरी की जरूरत हो, या कोई ट्यूमर हुआ या कोई ऐसी डिजीज हुई जो बिल्कुल डिके कर रही है, जो अलाइनमेंट कोई मिस कर रही है, तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज 95% केसेस में ये मेडिकल ट्रीटमेंट पे और ये मिनिमल इन्वेजिव जो टेक्निक्स आती है हमारी पेन जो रिलीव करने वाली या उसको स्ट्रेंथन करने वाली ऑर्थोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आती है, उन्हीं से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, सर्जरी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती।